एवरीवन, वेलकम टू सरिता राठी क्लासेस। चलिए आज हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लेके चलेंगे कंटेंट आपका इंग्लिश। इंग्लिश आपकी 12th क्लास का चैप्टर हम यहाँ पे करवाएंगे। ये आपका चैप्टर फ्लेमिंगो जो आपकी बुक है उससे उठाया गया है। चैप्टर है आपका द रेड ट्रैप। ये जो आपकी इंग्लिश की सीरीज यहाँ पे मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, ये भी उम्मीद करती हूँ आपके लिए उतनी हेल्पफुल हो। और इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करने के लिए या मेरे चैनल को आगे कंटिन्यू करने के लिए मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे क्या है मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए क्या न्यू वीडियोस क्या अपलोड कर पाऊं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द चैप्टर रेड ट्रैप बाय स्लेमा लैगरलोफ। ये जो चैप्टर है आपका रेड ट्रैप किसका है? स्लेमा लैगरलोफ का। तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर चैप्टर को शुरू करने से पहले जो ऑथर है उसके बारे में हम कुछ के जो टर्म्स हैं, कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं उनके बारे में जानेंगे। स्लेमा लैगरलोफ जिनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जिस ईयर में वो पैदा हुए 1858, डेथ इनकी जो पूरा जो इनका लाइफ स्पान था वो आपका 1940s तक था, वहां से स्वीडिश राइटर whose स्टोरीज हैव बीन ट्रांसलेटेड into मेनी लैंग्वेजेस। ये क्या एक स्वीडिश राइटर थी और जिनकी जो स्टोरीज थी वो अलग अलग लैंग्वेजेस में क्या ट्रांसलेट की गई। आई यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम। जो उनकी स्टोरीज थी उनमें एक यूनिवर्सल थीम क्या है अडॉप्ट की गई थी। आई बिलीव दैट द एसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकेंड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। यहाँ पर जो एक बिलीफ था उनका कि एक जो रिक्वायर्ड जो गुडनेस है, अच्छाई के साथ जो एक ह्यूमन बीइंग में डिजायरेबल है, उस अच्छाई के साथ हम क्या है अंडरस्टैंडिंग और लव का जो कॉम्बिनेशन है उससे क्या हम चीजों में चेंज ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। दिस स्टोरी इज सेट अमिडस्ट द माइंड्स ऑफ स्वीडन। ये जो स्टोरी है आपकी ये स्वीडन की माइंड्स जो है वहां पर क्या है आपकी रिलेट करती है। रिच इन आयरन ओर, जो माइंड्स थी आपकी क्या है आयरन ओर की थी। विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लीजेंड्स ऑफ दैट कंट्री। ये जो आपकी माइंड्स है इन्हीं के सराउंडिंग में जो आपके ये जो स्टोरी की जो आपका कंटेंट है ये क्या वहां पर फिगर आउट की गई है। दिस स्टोरी इज टोल्ड समवट इन द मैनर ऑफ अ फेरी टेल। और ये स्टोरी क्या है फेरी टेल की तरह क्या है प्रेजेंट की गई है बाय स्लेमा लैगरलोफ, ताकि वो जो मैसेज देना चाहती हैं वो क्या है अच्छे से कन्वे हो और उस मैसेज को क्या अच्छी तरीके से हम लाइफ में क्या कैरी कर सके। यहाँ पर आपके स्टोरी में कुछ थीम्स आपके क्या है कुछ मेन जो कंपोनेंट है वो डाले गए हैं, जिससे क्या है जो आपका पूरी की पूरी जो स्टोरी है वो क्या क्या जो मैसेज है वो कन्वे करना चाह रही है। फर्स्ट देखिए ह्यूमन काइंडनेस। इस चैप्टर में इस जो चैप्टर है स्टोरी में आप देखेंगे समझेंगे क्या ह्यूमन काइंडनेस को, मानव की जो दया है उस दया को, कि किस तरीके से जो काइंडनेस है ह्यूमन काइंडनेस है वो एक ट्रांसफॉर्मिंग पावर है, कि किस तरीके से वो जो काइंडनेस है वो किस तरीके से चेंज लेके आती है। सेकंड है ट्रस्ट वर्सेस साइनिसिज्म। यहाँ पे ट्रस्ट आपका दिया गया है और साइनिसिज्म दोनों के बीच में यहाँ पे क्या एक कंपैरिजन दिखाया जाएगा आपको अबाउट क्रॉनिकल वर्ल्ड व्यू इन दिस चैप्टर, जिसमें क्या अलग अलग जो व्यूज हैं डाले गए हैं जिसको आप कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके जो सही मैसेज है उसको क्या यहाँ पर कैरी करेंगे। नेक्स्ट है लोनलीनेस एंड कंपेनियनशिप। अकेलापन और साथी जो मिलते हैं दोनों सिचुएशंस में क्या डिफरेंस होता है, क्या जो अकेलापन है वो कैसे यहाँ पे मैटर करता है, और जब हम किसी का साथ पाते हैं तो किस तरीके से बदलाव आते हैं, उन चीजों को यहाँ क्या हम पढ़ेंगे। बेसिक नेसेसिटी फॉर कंपेनियनशिप की जो कंपेनियनशिप है किसी की जो जरूरत है हमारी लाइफ में क्यों होती है, तो उन जो यहाँ पे आपकी जो टर्म्स है उनको क्या हम समझेंगे। चलिए यहाँ पे स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर। एक समय की यहाँ पर बात बताई गई है जिसमें क्या है एक इंसान है एक व्यक्ति है जो क्या है जो स्मॉल रेड ट्रैप्स है जो वायर के बने हुए हैं, चूहे दानियां जो कि तार की बनी हुई है, उनको क्या बेचने के लिए इधर उधर घूमता रहता है। He made them himself at odd moments. और ये जो रेड ट्रैप्स हैं उसने odd
फूड मूवमेंट्स पर बनाई थी. फ्रॉम द मटेरियल ही गोट बाय बैगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फर्म्स. किस मटेरियल से वो ओड मूवमेंट्स आपके कौन से हैं कि उसने वो मटेरियल, वो जो वायर्स है उसने कैरी किए थे बाय बैगिंग, और ये जो बैगिंग के प्रोसेस है उसने, ये जो कुछ स्टोर्स थे वहां से क्या बैगिंग के बाद, या बड़े बड़े जो फार्म्स थे वहां से क्या उसने भीख मांगी थी और तब क्या ये वायर्स उसने इकट्ठे की थी. बट इवन सो द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल. लेकिन इतना करने के बाद भी उसका जो बिजनेस था, जो वो सेल कर रहा था रेड ट्रैप को, वो क्या अच्छा नहीं चल रहा था, उसको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था. सो ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पेटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर. अब उसका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था, तो इस सिचुएशन को रिसोर्ट करने के लिए, इस समस्या का सोल्यूशन ढूंढते हुए उसे क्या बैगिंग और जो थीवरी की कुछ इंसिडेंट्स है वो क्या उसको करने पड़ते हैं. वो भीख मांगता है अपना गुजारा करने के लिए और कुछ छोटी मोटी चोरियां भी करता है अपने शरीर और अपनी आत्मा को क्या इकट्ठा रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए. इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, हिज चीक्स वर संकन एंड हंगर ग्लिम्ड इन हिज आईज. भीख मांग के और छोटी मोटी चोरी करके वो अपना गुजारा कर रहे हैं. उसके कपड़े क्या फटे पुराने हैं, उसके चीक्स जो है, गाल जो है धस चुके हैं. एंड हंगर ग्लिम्ड इन हिज आईज, और जो भूख है उसकी चमक उसकी आंखों में दिखाई दे रही है कि वो कितने दिन से उसने सही ढंग से खाना नहीं खाया है. नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वैगाबोंड. अब जिस तरीके की जो सिचुएशन हम यहाँ पे जो स्टोरी पढ़ रहे हैं उसमें जिस तरीके की जो सिचुएशन है उसको हम समझ पा रहे हैं, इस तरीके की जो सिचुएशन नो वन कैन इमेजिन, कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि हाउ सैड, कितनी दुखद भरी, कितनी माइजरेबल लाइफ किसी की हो सकती है, जैसे कि वैगाबोंड की यहाँ पर बताई गई है. हु प्लॉट्स अलोंग द रोड, जो क्या है घूमता रहता है रोड्स पर. लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, खुद की जो मेडिटेशन है खुद के ही ध्यान में, खुद के ही ख्यालों में इधर उधर क्या रोड्स पर घूमता रहता है. बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट. लेकिन ये इंसान जो अपनी जो माइजरी थी, जो उसके दुख था उसकी लाइफ का, उसी में जो खोया रहता था, इधर उधर रोड्स पर सड़कों पर घूमता रहता था, उसके माइंड में एक थॉट आती है, एक विचार में क्या वो खुद ही खो जाता है. विच रियली सेम टू हिम एंटरटेनिंग, और ये जो थॉट उसके माइंड में आई थी ये उसको काफी एंटरटेनिंग लग रही थी, मतलब उसको मजा आ रहा था ये जो सोच उसके दिमाग में इस टाइम पर आई थी. ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप्स. अब यहाँ पर वो जो थॉट थी उसमें क्या कर रहा था, वो सोच रहा था अपनी चूहे धानियों के बारे में. फैन सडनली ही वाज स्टक बाय द आइडिया दैट होल वर्ल्ड अबाउट हिम. अब यहाँ पे क्या है कि वो रेड ट्रैप्स जो है उनके बारे में सोच रहा था. सडनली जो आइडिया था उसके दिमाग में आता है क्या कि जो पूरा का पूरा संसार है, जो वर्ल्ड है, वो इन रेड ट्रैप्स से क्या रिलेट करता है. द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स एंड सीज, इट्स सिटीज एंड विलेजेस. अब पूरे संसार में क्या वो ईच एंड एवरी पॉइंट को यहाँ पे क्या रिलेट कर रहे हैं, जिसमें लैंड्स हैं, सीज हैं, सिटीज हैं एंड विलेजेस हैं. वाज नथिंग, ये सारी चीजें कुछ भी नहीं है बट अ बिग रेड ट्रैप. लेकिन क्या है वो, एक रेड ट्रैप है, एक चूहेदानी, एक जाल के जैसे है. इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल. इट हैड नेवर एग्जिस्टेड, ये जो संसार की, जो वर्ल्ड की यहाँ पे बात हो रही है, इसका कोई पर्पस नहीं है. बस यहाँ पे एक पर्पस है उसका, कि लोगों को वो लालच, एक जो बेट्स है वो वहां पर क्या है सेट करें, जिससे क्या है लोग अट्रैक्ट हो और अट्रैक्ट होके इस जाल में क्या है वो अपने आप ही आ जाए. इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयस, ये जो बेट्स है यहाँ पर, कि जो रेड ट्रैप, जो संसार है, ये एक रेड ट्रैप है, एक जाल है, तो इसमें क्या है ऑफर किया जाता है रिचेस एंड जॉयस, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लोथिंग, जो हमारी नीड की जो जो चीजें हैं, जिनकी हमें बार बार जरूरत पड़ती रहती है, वो चीजें हमें ऑफर की जाती हैं इस जो संसार का, जो वर्ल्ड का ये रेड ट्रैप है, इस रेड ट्रैप में. एग्जैक्टली एज ए रेड ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पॉक, उसी तरीके से जिस तरीके से चूहे दानी में हम चूहे को पकड़ने के लिए एक लालच के तौर पे, अट्रैक्शन के तौर पे, ताकि चूहा खींच कर उस खाने वाली चीज की तरफ आ जाए, उसी तरीके से क्या हमें भी यहाँ पे जो जॉयस है, शेल्टर है, फूड है, हीट है,
ये जो फैक्टर्स हैं ये क्या है, एक वहां पे क्या है ऑफर ऑफरिंग है हमारे लिए, जिससे क्या है उसमें फंस जाते हैं। एंड एज सून एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बेड इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, और जैसे जितनी जल्दी ठीक है समय के साथ साथ जिस तरीके से कोई उस जो वहां पे लालच दिया गया, जो बेड्स दी गई है उसके कॉन्टेक्ट में हम आते हैं, उसको टच करते हैं, तो हम क्या उसमें क्या है उसके और पास जाते जाते हैं, और एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और धीरे धीरे हम उस जाल में फंस जाते हैं। और जो रेड ट्रैप का क्या है टारगेट क्या होता है, हम रेड ट्रैप क्यों लगाते हैं, ताकि हम चूहे को पकड़ सके, तो इसी तरीके से उस जो वर्ल्डली जो रेड ट्रैप है उसमें क्या है हम फंस जाते हैं। The world had, of course, never been very kind to him. यहाँ पे किसकी बात हो रही है, वैगाबोंड की बात हो रही है, उस बेगर की बात हो रही है जिसके जिससे क्या स्टोरी आपकी स्टार्ट हुई है। तो the world had, of course, never been very kind to him. तो पूरा जो संसार था उसमें जो ह्यूमन बीइंग थे वो वैगाबोंड की तरफ क्या थे काइंड नहीं थे, उसकी तरफ मतलब उनका बिहेवियर अच्छा नहीं था, क्यों, क्योंकि वो बेगर था, एक थीफ था। So it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. अब उसके साथ कोई अच्छा नहीं कर रहा है तो दूसरों के बारे में अच्छा क्यों सोचेगा, तो यहाँ पे क्या है जो ill thinking है उसमें अपने आप ही develop हो जाती है। It became a cherished pastime for office during many dreary plodings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare and of others who were still circling around the bed. इन्हीं ख्यालों में जो थॉट उसके माइंड में आई थी, इसी थॉट में अपनी पुरानी चीजों को जोड़ते हुए यहाँ पर क्या वो आगे बढ़ रहा है और क्या बता रहा है, यही कि जो ये जो रेड ट्रैप है, वर्ल्डली जो रेड ट्रैप है, इसमें क्या है कुछ लोग मतलब इसकी तरह ये क्या है काफी खतरनाक आपका क्या है यहाँ पर अट्रैक्शन है, जिसमें हम फंस जाते हैं तो निकल नहीं पाते, तो उसकी तरफ लोग बढ़ रहे हैं। और अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेड, और कुछ ऐसे हैं कि अभी भी सर्कल कर रहे हैं उसके तरफ, क्या चक्कर लगा रहे हैं उस बेड की तरफ, उसमें क्या फंसने के लिए, उससे अट्रैक्टेड होने के लिए, ताकि वो जब भी अट्रैक्टेड हो तभी क्या उनको पकड़ लिया जाए। Evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside. जैसे कि स्टोरी के इंट्रोडक्शन से ही हमें पता चल गया था कि जो वैगाबोंड था वो क्या इधर उधर घूमता रहता था, तो यहाँ पर क्या जब वो ऐसे ही रोड पे जा रहा था एक डार्क इवनिंग को, he was trudging along the road, चल रहा था घूम रहा था रोड के एक साइड पर, यहाँ पे he caught sight, उसे दिखाई दिया क्या एक लिटल जो ग्रे कॉटेज थी, एक कॉटेज उसको दिखाई थी, एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर, और उस कॉटेज को देखने के बाद उसने नॉक किया उस कॉटेज के दरवाजे पर, टू आस्क शेल्टर। अब उसने किस पर्पस से नॉक किया, दरवाजा क्यों खटखटा है, क्यों, क्योंकि वहां पर वो शेल्टर चाहता था फॉर अ नाइट, रात के लिए। नोर वास ही रिफ्यूज्ड, और जैसे उसने नॉक किया दरवाजा खटखटा है, किसी ने रिफ्यूज नहीं किया। इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस Which ordinarily met him, जिस तरीके से और लोग उसको मिलते थे और मिलने के बाद उसको इग्नोर कर देते थे, उसको वहां से उसे बात नहीं करते थे या उसको भगा देते थे, ऐसा यहाँ पर नहीं हुआ। The owner, who was an old man without wife or child, जिस कॉटेज में वो गया था वहां पर, उस कॉटेज में एक ओल्ड मैन था जिसके ना बीवी थी ना बच्चे थे, मतलब वो लोनली था, was happy to get someone to talk to in his loneliness. अब वो जो ओल्ड मैन था वो खुश हुआ क्या कि उसको कोई तो मिला जो उसके अकेलेपन में उससे बातचीत कर सकता है। इमीडिएटली ही पुट द पोर्टेज पॉट ऑन द फायर एंड गेव हिम सपर, अब जल्दबाजी में एकदम से उस घर पे कॉटेज पे कोई आया हुआ मिला तो वो कुछ खाने का किस पर फायर पर रखता है, ठीक है, और वो जो खाना है वो शेयर करना चाहता है किसके साथ, जो वहां पे वैगाबोंड है उसके साथ। Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. और इसके बाद क्या करता है, जो उसके पास टबैको है उसको उसके रोल को वो स्लाइस करता है, काटता है, और उसमें से कुछ हिस्सा किसको देता है, वो स्ट्रेंजर को देता है, और इतना हिस्सा काटता है कि वो स्ट्रेंजर और ओल्ड मैन दोनों के लिए क्या है सही होता है, पर्याप्त होता है, मतलब इनफ होता है, वो अपनी क्या है उससे दोनों के वहां पर काम चल जाएगा। फाइनली ही गॉट out an old pack of cards, और क्या करता है
एक जो ताश के पत्ते की जो पुरानी डब्बी उसके पास थी वो निकालता है एंड प्लेड मेजोलिस विथ हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम। और जो गेम होता है मेजोलिस वो क्या है, वैगाबोंड के साथ ओल्ड मैन खेलता है कब तक, सोने के टाइम तक। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनेरस विथ हिज कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंसेस एज विथ हिज पोरिड एज एंड टबैको। अब ओल्ड मैन काफी जेनेरस था विथ हिज कॉन्फिडेंसेस, किसके जितना विश्वास उसके अंदर भरा हुआ था उसके साथ, जैसे कि उसने उसके साथ क्या अपना खाना शेयर किया, अपना टबैको तंबाकू शेयर किया। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉफ्टर। आप यहाँ पे जो गेस्ट है, गेस्ट कौन है, वैगाबोंड है, उसको इन्फॉर्म करता है, ओल्ड मैन उसको बताता है क्या कि दैट इन हिज डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी, जब क्या वो काफी अमीर था तब की बात हो रही है, हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉफ्टर, तो ओल्ड मैन क्या था, एक क्रॉफ्टर था, एक किसान था। एंड रैम्स जो आयरन वर्क्स, कहां पर उसने लोकेशन बताई अपनी, रैम्स जो आयरन वर्क एंड हैड वर्क ऑन द लैंड, और वर्क कर रहा है कहां, अब वो किसान है तो खेत में ही काम करेगा। नाउ दैट ही वाज नो लॉन्गर एबल टू डू डेली वर्क, और अब क्या है वो इतना काम नहीं कर पाता है, मतलब दिन में जितनी मेहनत रिक्वायर्ड है उतनी मेहनत वो नहीं कर पाता है। इट वॉज हिज काउ, अब क्या उसके पास, वो बताता है कि उसके पास एक काउ है, इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, जो क्या है अब उसको सपोर्ट करती है, सपोर्ट किसमें, अर्निंग करने में, पैसा कमाने में। यस दैट बोसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो बताता है कि ये गाय क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे। गाय के बारे में बताया कि वो दूध देती है, ठीक है, किसके लिए, क्रीमरी के लिए, जिससे क्या उसको अर्निंग हो जाती है, पैसे मिल जाते हैं। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनोर इन पेमेंट, लास्ट मंथ की पूरी जो उसकी इनकम है वो बताता है कि उसकी गाय ने इतना दूध दिया जिससे क्या उसको 30 क्रोनोर जो है उसकी इनकम। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, जो स्ट्रेंजर है वो इस तरीके से ओल्ड मैन की तरफ देखता है कि उसको विश्वास नहीं हो रहा है, ठीक है, वो डाउट से क्या है ओल्ड मैन की तरफ देखता है। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, अब ये अंदाजा लगाते हुए ओल्ड मैन की उसको यकीन नहीं हो रहा है, ट्रस्ट नहीं हो रहा है, इसलिए क्या ओल्ड मैन उठता है और विंडो की तरफ जाता है। टुक डाउन अ लेदर पाउच विच हंग ऑन अ नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम, अब क्या करता है वो एक लेदर, जो ओल्ड मैन है, एक लेदर का पाउच, ठीक है, जो कि खिड़की में एक नेल पर लटका हुआ था उसको उतारता है। एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनोर बिल्स, और उसमें से मुड़े तुड़े जो 30 क्रोनोर जो रुपीस है वो क्या उसमें से निकालता है, बिल्स जो है निकालता है। दिस ही हेल्ड अप बिफोर द आईज ऑफ हिज गेस्ट, और इन नोटों को जो उसने लिए थे नोट्स को वो किसके, जो गेस्ट है, जो वैगाबोंड है, उसकी आंखों के सामने लेके आता है, लहराता है, नोटिंग नोइंगली, जानते हुए, दिखाते हुए, इंटेंशन से। एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, और फिर क्या उन्हें दोबारा उन पैसों को, उन क्रोनोर को दोबारा क्या है पाउच में रख देता है। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गोट अप इन द गुड सीजन, यहाँ पे किसकी, ओल्ड मैन और वैगाबोंड दोनों की बात हो रही है, दोनों अच्छे मूड में उठते हैं। द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी, क्रॉफ्टर जो था वो हरी में था, उसको जल्दबाजी थी टू मिल्क हिज काउ, क्योंकि उसको क्या गाय का दूध निकालना था। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप, अब यहाँ पे क्या है कि जो वैगाबोंड है, जो बेगर है, वो सोचता है कि सही नहीं है कि मालिक उठ चुका है, जिसके घर में उसने शेल्टर लिया है वो उठ चुका है, तो उसके लिए सही नहीं है कि वो बेड में रहे, वो भी उठ जाता है। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, दोनों ओल्ड मैन और वैगाबोंड दोनों क्या एक ही साथ क्या है, एक ही टाइम पर किससे, कॉटेज से बाहर निकलते हैं। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर, क्रॉफ्टर ने क्या जो कॉटेज का दरवाजा था उसको लॉक किया। एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और जो की थी उसको कहां पे, उसके पॉकेट में रखा। द मैन विद द रेड ड्रेस, किसकी, बेगर की बात हो रही है। द मैन विद द रेड ड्रेस, वो इंसान जिसके पास क्या चूहे दानियां थी, सेड गुड बाय एंड थैंक यू। अब यहाँ पे जो वैगाबोंड था उसने गुड बाय, ठीक है, और थैंक यू बोला किसको, ओल्ड मैन को, क्यों, क्योंकि उसने शेल्टर लिया था। एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे, और इसके बाद क्या है ओल्ड मैन और वैगाबोंड दोनों क्या है अपने रास्ते चले जाते हैं।
बट हाफ एन आवर लेटर द रेड पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। अब यहां पे क्या, हाफ एन आवर के बाद, आधे घंटे के बाद जो पेडलर था, जो वैगाबोंड था, जो बैगर था, ठीक है, रेड ट्रैप जो चूहेदानियां बेच रहा था, स्टूड अगेन दोबारा से क्या, उस कोटेज के दरवाजे के सामने खड़ा था। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, लेकिन उसने कोशिश नहीं की कोटेज के अंदर जाने की। हाउएवर ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, लेकिन वो कहां गया, वो विंडो के पास चला गया किसी इंटेंशन से। स्मैश्ड अ पेन स्टक इन हिज हैंड एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 क्रोनर। अब क्या, उसने स्मैश कर दिया किसको, पेन को, कांच को तोड़ा, और क्या है, जो विंडो में, खिड़की में जो पाउच था उसमें से क्या, 30 क्रोनर उसने निकाल लिया। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट। अब क्या, उसने क्रॉफ्टर की जो मनी थी उसको लिया और कहा, अपने पॉकेट में रख लिया, मतलब उसने यहाँ पे क्या, चोरी की। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे। और फिर उसने बड़ी सावधानी से, ताकि किसी को पता ना चले, बड़ी सावधानी से उसने लेदर पाउच को दोबारा से कहा उसी जगह पर टांग दिया, खिड़की में टांग दिया। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. अब जैसे कि उसने चोरी की थी और वो उस पैसे को लेके आगे बढ़ रहा था, तो उसे बड़ी खुशी हो रही थी क्या, उसके स्मार्टनेस पे, उसकी इंटेलिजेंस पे, कि किस तरीके से उसने पैसे भी चुरा लिए और क्या, क्रॉफ्टर को पता भी नहीं चला कितनी सफाई से उसने चोरी कर ली। He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway. जैसे कि उसने चोरी की थी, उसके पास पैसे थे, तो यहाँ पे क्या, उसने realize किया, महसूस किया क्या, कि जो common road है, उसी public highway पे continue करना, आगे बढ़ना उसके लिए safe नहीं है। But must turn off the road into the woods. और उसको ये public highway जो है, ये छोड़ देना चाहिए और woods की तरफ, जंगल की तरफ क्या, उसको जाना चाहिए, ताकि वो safely क्या आगे बढ़ सके। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम सो डिफिकल्टी, यहां पे हिम सो डिफिकल्टी, अब यहां पे क्या, ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम सो डिफिकल्टी, कि जब वो आगे बढ़ रहा था कुछ आवर्स के लिए, तो ये क्या है, उसके लिए डिफिकल्टी भरा था। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, लेकिन जहां पे डिफिकल्टी थी वो उसके लिए थोड़ा बुरा था, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता गया, वो आगे बढ़ता गया, ये जो जंगल में चलना, वुड्स में जो उसकी ट्रेवलिंग थी, ये क्या है, उसके लिए और ज्यादा वर्स हो गया, बुरा हो गया। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्यों, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जंगल था और काफी कंफ्यूजिंग था, विच ही हैड गॉटन इनटू, जिसमें वो घुसा था, जिसके अंदर वो गया था। अब जंगल में वहां पे कोई हाईवे तो बनाया नहीं होता, वहां पे कोई रोड तो बनाया नहीं होता जिसपे हम आसानी से ट्रेवल कर ले, वहां पे कोई डायरेक्शन हमें नहीं पता चलती, तो इसलिए क्या है, ये कंफ्यूजिंग था, किसके लिए, पेडलर के लिए, वैगाबोंड के लिए। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, अब सही जगह पर पहुंचने के लिए वो श्योर होना चाहता था, ठीक है, ताकि क्या है, एक डेफिनेट डायरेक्शन में, एक सही दिशा में आगे बढ़ सके। बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, लेकिन क्या, जिस रास्ते पर वो जाता वो ट्विस्टेड हो जाते, आपस में दोबारा से वही मिक्स हो जाते, मिले जुले उसको लगते, और ये सारी चीजें क्या उसके लिए काफी स्ट्रेंज थी। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, और उसको जो जंगल है उनका अंत नहीं मिलता, मतलब तो जंगल खत्म नहीं होते, वो कंटिन्यू करता रहता है। एंड फाइनली ही रियलाइज्ड दैट ही हैड ओनली वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, और बाद में उसको रियलाइज होता है, महसूस होता है कि वो सेम एक ही पार्ट में, जंगल के एक ही हिस्से में बार बार घूमे जा रहा है, मतलब वो खो चुका है, कंफ्यूज हो चुका है यहाँ पे पूरी तरीके से। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड, अब एक थॉट जब वो क्या है, जहां पे स्टोरी स्टार्ट होती है वहां पे एक ख्याल उसको स्टक करता है, एक थॉट उसके माइंड में आती है, एक आइडिया आता है, तो वो आइडिया इसको अभी क्या है, ये जो यहाँ पे बैगर है इसको दोबारा से आता है क्या, द वर्ल्ड एट द रेड ट्रैप, कि संसार क्या है, ये भी एक रेड ट्रैप है, और उस रेड ट्रैप में अब बैगर भी क्या है, फंस चुका है। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, अब क्या है, जो रेड ट्रैप है, जो चूहेदारी में, उसमें फंसने की बारी किसकी है, वैगाबोंड की, पेडलर की। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बेट, अब यहाँ पे क्या है कि उसने पाया कि वो खुद एक लालच में फंस चुका है, मतलब उसने खुद को बेवकूफ बनाया एक लालच में, कि वो पहले ही ऐसा ख्याल सोच रहा था कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है, और वो खुद उसमें क्या है, फंस चुका है,
उसमें मूर्ख बन चुका है एंड हैड बीन कॉट, और अब क्या है वो भी उस लालच में पकड़ा गया है। द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, अब यहाँ पे क्या पूरा का पूरा जंगल की बात हो रही है ट्रंक्स के साथ ब्रांचेस के साथ। इट थिकेस्ट एंड फॉलन लॉक्स क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेनेट्रेबल प्रिजन फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप। अब सारे जंगल की एक एक चीज उसके लिए क्या है एक ऐसी जेल उसको लग रही है जिससे क्या वो कभी भी छूट नहीं पाएगा, जिससे वो क्या कभी भी निकल नहीं पाएगा। इट वॉज लेट इन दिसंबर, ये कब की बात थी दिसंबर के एंड की। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, और जो अंधेरा है जैसे कि ठंड में ज्यादा जो रात है वो जल्दी हो जाती है, तो डार्कनेस क्या है जंगल में फैल चुकी थी, अंधेरा जो है जंगल में फैल चुका था। दिस इंक्रीज द डेंजर, और अब अंधेरा फैल रहा था और वो जंगल में था तो इससे क्या खतरा भी क्या है बढ़ रहा था। एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिसअपीयर, और उसके जो घबराहट थी उसका जो डर था उसको क्या है और बढ़ा रहा था कि वो पहले ही कंफ्यूज है, उसको महसूस भी हो चुका है कि वो एक बेट में फंस चुका है, रेड ट्रैप में फंस चुका है, और ऊपर से क्या ये चीजें और उसमें ऐड होती जा रही है। फाइनली ही सो नो वे आउट, अंत में उसको ये महसूस हुआ उसे दिखा कि कोई रास्ता नहीं है। एंड ही सेंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो क्या ग्राउंड पे लेट जाता है गिर जाता है टायर टू डेथ, जिस तरीके से निढाल होके थक के कि अब नहीं अब कुछ नहीं होने वाला, और वो क्या है जमीन पर गिर जाता है जैसे कि वो मर रहा है। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, ये सोचते हुए कि उसका लास्ट मोमेंट आ गया है अब यहाँ पे उसकी जिंदगी खत्म है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हैंड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर जमीन पर रखा ही हर्ड अ साउंड, उसे क्या एक आवाज सुनाई दी, अ हार्ड रेगुलर थंपिंग, किसकी अब उसे कुछ क्या है वहां पे कूटने की कुछ दबाने की क्या है उसको आवाज आ रही थी, थंपिंग की आवाज आ रही थी तेज। देयर वाज नो डाउट एज टू व्हाट दैट वाज, अब उसको डाउट नहीं था कि ये किस चीज की थंपिंग की जो आवाज आ रही थी ये क्या थी। ही रेज्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को उठाया, किसने यहाँ पे वैगाबोंड पेडलर की बात हो रही है बैगर की बात हो रही है, तो बैगर ने अपने आप को उठाया। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मेन, और ये जो थंपिंग की आवाज आ रही थी ये क्या थी हैमर्स की आवाज थी, हथौड़ों की आवाज थी जो कि किसी आयरन मिल से आ रही थी। ही थॉट देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, अब आयरन जो आयरन मिल है वहां से हमर के स्ट्रोक्स की आवाज आ रही है, तो रियली वहां पे कोई तो होगा तभी कोई तो वो आवाज कर रहे, हथौड़े अपने आप तो चल नहीं रहे। ही समंड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अब यहाँ पे बैगर जो बिल्कुल थक चुका था उसको लग रहा था कि बस अब वो मरने ही वाला है, तो अपनी स्ट्रेंथ को वो समन करता है, पुकारता है, इकट्ठा करता है, पूरी कोशिश करता है, गोटा खड़ा हो जाता है एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और रेंगता हुआ अपनी जैसे कि वो क्या अपनी हिम्मत खो चुका था, यहां पर क्या है वो उस हिम्मत को जुटाते हुए आगे बढ़ता है उस डायरेक्शन में जहां से क्या आवाज आ रही थी। द रिम्स जो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज्ड डाउन, ये किस कौन सी जगह की बात हो रही है रैम्स ऑफ आयरन वर्क्स की जो कि आप क्लोज हो चुकी है बंद हो चुकी है। वर नॉट सो लॉन्ग अगो अ लार्ज प्लांट, जो पहले के है एक लार्ज प्लांट था विद स्मेल्टर रोलिंग मिल एंड फोर्स, जहां से क्या लोहे को पिघलाया जाता था अलग अलग शेप्स में दिया जाता था। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवी लोडेड बार्जेस एंड स्कोव्स स्लिड डाउन द कैनल, अब यहां से जो ट्रेडिंग होती थी मतलब जो चीजों का आयरन की जो चीजें थी उनका आना जाना यहां पर क्या लगा रहता था, तो हैवीली लोडेड जो बार्जेस थे स्कोर्स थे उनको क्या कैनल के जो यहाँ पे मोड़ था उससे क्या है दूसरी जगहों पर भेजा जाता था। विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक, और ये कैनल के है कनेक्ट थी या जाती थी किसकी तरफ एक लेक की तरफ। एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट व्हिच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, अब यहाँ पे क्या है जो समर था उसमें क्या वो कैनल का यूज करते थे, लेकिन विंटर में यहाँ क्या बताया गया कि जो मिल के नियर बाय जो रोड थे उनको कैसे जो आयरन का जो भी मटेरियल था उसको लेके जाया जाता था वहां से, और वो रोड जो है वो ब्लैक हो जाता था किससे कोल से कोल की डस्ट से चारकोल से, और ये चारकोल की क्या है उस रोड पर क्या क्रेट्स बन जाती थी और ज्यादा वो काली हो जाता थी। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क
इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस। अब यहाँ किसकी बात हो रही है, जिस इवनिंग को जब वो जंगल में था और रेमशो आयरन वर्क्स है वहां पर जो हैमर के बाद सुन के वो बढ़ रहा था। तो ये ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग, ये क्या थी, ठंड की एक लॉन्ग डार्क इवनिंग थी जस्ट बिफोर क्रिसमस, किससे, क्रिसमस से पहले। द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सेट इन द डार्क फोर्स नियर द फर्नेस। अब यहाँ पे क्या है, आपका एक और कैरेक्टर आया है द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर, जो क्या बैठे हुए हैं डार्क फोर्स, ठीक है, किसके, फर्नेस के पास, वेटिंग फॉर द पिग आयरन। और फर्नेस के पास बैठ के वो किसका वेट कर रहे, पिग आयरन का, क्यों, क्योंकि ये आयरन मिल थी और यहाँ पे किसका काम हो रहा था, आयरन का काम हो रहा था, इसलिए क्या, वो पिग आयरन का यहाँ पर वेट कर रहे थे। विच हैड बीन पुट इन द फायर, और जो आप यहाँ पर क्या है, ब्लैक जो स्मिथ है, द मास्टर स्मिथ है, उसने क्या है फर्नेस में डाला था, फायर में डाला था, उसका वो वेट कर रहे थे। टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, जो क्या है अब उसको, ताकि वो गर्म हो जाए, गर्म होने के बाद क्या उसको एनविल पे रख के वो जो शेप देना चाहते हैं उसी शेप में क्या उसको चेंज कर सके। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गोट अप टू स्टीयर द ग्लोइंग मास विद अ लॉन्ग आयरन बार, रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स ड्रिपिंग विद perspiration through though as was the custom he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes। अब यहाँ पे क्या है कि जो पिग आयरन उसमें डाला था फर्नेस में गर्म होने के लिए, ताकि उसको क्या हो, जो डिजायरेबल शेप है वो शेप दे सके, तो वन बाय वन वो जाके उसको चेक करते और दोबारा से आ जाते। और यहाँ पे क्या है कि भट्टी इतनी गर्म थी उसके पास हो जाते तो क्या पसीने में भीग जाते, और ये क्या था कि बार बार जाके वो उसको चेक करेंगे, उनका कस्टम था, सबकी वहां पर क्या एक ड्यूटी थी। और इस काम को करते हुए उन्होंने बहुत कुछ अलग से नहीं, एक लॉन्ग शर्ट जो उन्होंने पहनी हुई थी और उसके साथ साथ क्या उन्होंने वुडन के शूज पहने हुए थे। ऑल द टाइम देयर वर मेनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्स। अब आयरन मिल थे तो वहां पे लोहे का काम होता था, तो वहां पे साउंड्स आवाजें तो क्या आमतौर पर क्या है वहां पे होती ही रहेंगी। द बिग बेलोज ग्रोंट एंड द बर्निंग कोयल क्रैक्ड। अब वहां से आवाज आती किसकी, कि जो बड़े बड़े लोहे की जो चीजें हैं वो भट्टियों में डाली जाती, जो कोयला है उसकी क्रैकिंग की, लोहे की जो चीजें हैं जैसे निगलने की, कोई चीज उसको निगल रही है इस तरीके की, वहां से आवाज आती। द फायर वॉइस शोवेल्ड चारकोल इनटू द मो ऑफ द फर्नेस विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर। अब यहाँ पे फायर बॉय क्या करते हैं, जो फर्नेस है उसके अंदर क्या कोयला डालते हैं, जिसमें से क्या है जो एकदम से आवाज, तेज आवाज आती है। आउटसाइड रोड द वॉटरफॉल, और बाहर किसकी आवाज आ रही है, वॉटरफॉल की, उसके पानी की, जैसे कि वो रोर कर रहा है। एंड अ शार्प नॉर्थ विंड व्हिप्ड, और एक तेज हवा है जो क्या है नॉर्थन विंड यहाँ पे बताएगी, व्हिप द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल रूफ, और वो हवा टकरा रही है, एक आवाज निकाल रही है किससे, जो ब्रिक टाइल की जो छत थी उस छत से टकरा गई। इट वाज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइस दैट द ब्लैकस्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट अ मैन हैड ओपन्ड द गेट। अब जिस तरीके से जो मास्टर स्मिथ था अपने काम में बिजी था, अपने काम में वो क्या है पूरा खो चुका था, तो उसको पता भी नहीं चला इन आवाजों के बीच में कि कोई क्या है, कोई इंसान उसके पास आ, कोई इंसान जिसने गेट खोला है एंटर दी फोर्स, फोर्स में एंटर कर चुका है। अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू दी फर्नेस, और वो जब तक उसके पास नहीं आ गया तब तक क्या मास्टर स्मिथ ने उसको नोटिस नहीं किया। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजल फॉर अ पुअर वेगाबोंड्स विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्स बाय द ग्लो ऑफ लाइट विच एस्केप थ्रू द शूटी पेन्स। अब यहाँ पे क्या है कि ठंड का मौसम था, तो एक वैगाबोंड के लिए, किसी भी वैगाबोंड के लिए, इससे किसी गरीब के लिए इस जगह से अच्छी कोई जगह नहीं होगी शेल्टर के लिए, जो उसको अट्रैक्ट कर रही थी, ठीक है, बाय द ग्लो ऑफ लाइट, जहां पे क्या अट्रैक्टेड टू द फोर्स, और जिससे क्या वो अट्रैक्ट होकर फोर्स में आया, बाय द ग्लो ऑफ लाइट, किससे, लाइट की चमक से, विच एस्केप थ्रू द शूटी पेन्स, और ये क्या है, ये जो लाइट थी, ये जो चमक थी, किससे, उन भट्टियों से निकल रही थी। एंड टू कम इन द वॉर्म देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द फायर, और वो आ गया खुद को गर्म करने के लिए फायर के सामने, आग के सामने। द ब्लैक स्मिथ ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली, द ब्लैक स्मिथ ने कैजुअली क्या है, जो बैगर था, वैगाबोंड था, पेडलर जो था, उसको क्या देखा, एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर।
और उसको क्या है एंट्री, मतलब वहां पे उसको बस इस तरीके से देख के रह गया कि नहीं कुछ ऐसा अलग नहीं है, उसने इतना खास उसको अटेंशन नहीं दी। ही लुक द वे पीपल ऑफ हिज टाइम यूजुअली डिड विद अ लॉन्ग बियर्ड डर्टी रेड एंड विद अ बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट। अब यहाँ पे ही लुक द वे, उसने क्या उसकी तरफ देखा, क्या यूजुअली इस तरीके के इंसान जैसे क्या है एक लंबी दाढ़ी के साथ जो क्या गंदे भद्दे उसने कपड़े पहने हुए थे और उसके चेस्ट के साथ क्या है कुछ चूहे दानियां क्या लटकी हुई थी। तो उसने कैजुअली उसकी तरफ देखा, ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं जो उसके वहां पे क्या है लुक नहीं थी कि वो उससे कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहा। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे। अब यहाँ पे जो पेडलर है वो परमिशन चाह रहा है, पूछ रहा है कि मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड अ हॉटी कंसेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड। अब जो ब्लैक स्मिथ है वो भी बस नोट करता है, सिर हिला के क्या जवाब देता है, ज्यादा उससे कहे किसी भी मतलब ज्यादा उससे बात नहीं करता है और वर्ड्स नहीं बोलता है, सिर्फ नोट करता है कि हाँ इट्स ओके। द ट्रेंप डिड नॉट से एनीथिंग इधर, द ट्रेंप डिड नॉट से एनीथिंग इधर, और इसके अलावा क्या और कुछ नहीं बोलता है। He had not come there to talk. क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेडलर बात करने के लिए नहीं आया था, but only to warm himself and sleep. लेकिन वो खुद को उस ठंड से बचाने के लिए आया था और सोने के लिए आया था। In those days, the Renfrew iron mill was owned by a very prominent iron master. अब यहाँ पे Renfrew जो iron mill है, was owned a very prominent iron master. मतलब जो उसका owner था, वो क्या है एक prominent iron master था. Whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. और वो जो owner था उसका एक aim था क्या कि बढ़िया से बढ़िया जो quality का iron है वो market में भेज सके, ship कर सके। He watched both night and day to see that the work was done as well as possible. और वो पूरी नजर रखता था किसके ऊपर कि जो काम है दिन रात सही तरीके से हो रहा या नहीं, जितना हो सकता। And at this very moment he came into the force on one of his nightly rounds for inspection. और जिस तरीके से वो वहां पर नजर रखता था, चेकिंग करता था, सेम इस मोमेंट पर भी क्या है वो वहां पर फोर्स में चेकिंग करने के लिए आता है, क्या उसके जो नाइटली इंस्पेक्शन है, जो रात का उसका चेकिंग का जो टाइम है उसके लिए जो वहां पे मिल मास्टर है वो आता है, ओनर जो आता है। Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin. अब जब आता है जो उसके जो मिल है उसमें जितनी भी चीजें हैं वो उसके लिए फैमिलियर है, अब यहाँ पे जो रगाफिन जो पेडलर है वो उसके लिए क्या स्ट्रेंजर है। तो सो ही सो वाज द टॉल रगाफिन, और यहाँ पे किसको देखता है, उस पेडलर को देखता है हु हैड ईज्ड हिज वे, जो क्या अपनी मतलब जैसे वो आराम से वहां पर क्या लेट सकता था, बैठ सकता था, बैठा हुआ था। So close to the furnace, भट्टी के पास, क्योंकि बाहर उसको क्या है ठंड लगी हुई थी और वो खुद को गर्म करने के लिए यहाँ पे आया था। That steam rose from his wet rags, और आग की गर्मी के कारण उसके कपड़ों से स्टीम जो है भाप जो है निकल रही थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैकस्मिथ। ब्लैकस्मिथ ने क्या किया था, सिर्फ कैजुअली उसको देखा था, नोट किया था, ज्यादा बात नहीं की थी। तो आयरन मास्टर ने सेम जो ब्लैकस्मिथ था उसके जैसा काम नहीं किया। Who had hardly Descend to look at the stranger, जो क्या मुश्किल से क्या है उसने स्ट्रेंजर की तरफ देखा था, ऐसा नहीं किया यहाँ पे आयरन मास्टर ने। He walked close up to him. अब यहाँ पे आयरन मास्टर क्या बेगर की तरह उसके बिल्कुल पास जाते हैं, looked him over very carefully, और उसको बड़ी ध्यान से देखते हैं। Then tore off his slouch hat to get a better view of his face, और उसने जो हैट पहन रखी थी उस हैट को क्या वो उतार देता है ताकि वो एक बेटर व्यू ले सके, मतलब अच्छी तरीके से क्या है बैगर को या जो इंसान वहां पर था स्ट्रेंजर उसको पहचान सके। बट ऑफकोर्स इट इज यू, ओ मतलब कैप उतारने के बाद वो रियलाइज करता है, आइडेंटिफाई करता है, बट ऑफकोर्स इट्स यू नील्स ऑफ ओलफ। यहाँ पे मतलब नाम लेता है एक बंदे को जो यहाँ पे क्या है वो पहचान रहा है कि इंडिविजुअल कैरेक्टर क्या है ये है, वो नाम लेके बोलते हैं। ही सेड हाउ यू डू लुक, किस तरीके से मतलब ये कैसी आपकी अप्रिएशन है, यहाँ पे किस तरीके की अपियरेंस है आपकी, कैसे मतलब जो जैसे वो फटे पुराने कपड़ों में था तो ये किस तरीके की उसकी क्या है यहाँ पे भेस है। देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू
him all at once, यहाँ पे क्या है, किसी भी तरीके से जो मास्टर है वो अनडिसेसिव नहीं करना चाहता था. Yes, God knows things have gone downhill with him. क्यों? क्योंकि उसको पता था कि जो चीजें हैं, जो करेक्टर वहां पे मास्टर, आयरन मास्टर जो था, खुद को मतलब उस करेक्टर के साथ जोड़ के जो चीजें वो क्या है रिकॉल कर रहा था, तो उसके हिसाब से God knows things have gone downhill with him कि कितनी बुरी चीजें किसके, उस बैगर के साथ, उस करेक्टर के साथ हुई है, he said, जो कि क्या उसको मान रहा था नेल्स ऑलिफ के तौर पर. यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट. तुम्हें क्या है, जो रेजिमेंट थी मतलब उसको वो अपना एक कलीग मानता है, अपनी रेजिमेंट का एक पार्टनर मानता है और उससे कहता है कि तुम्हें रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना चाहिए था, सेड द आयरन मास्टर. That was the mistake. ये तुम्हारी गलती थी. If only I had still been in the service at the time, it never would have happened. अगर उस सर्विस में होता कौन बेगर, तो जैसी सिचुएशन आज उसके साथ है ऐसी सिचुएशन नहीं होती, वो इस हाल में नहीं होता. Well, now of course you will come home with me. चलो अब जो चीजें थी वो तो हो चुकी थी, ठीक है अब चलो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो. To go alone up to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade. That, however, did not please the tramp. अब यहाँ पे क्या है कि उसका जो आयरन जो यहाँ पे आयरन मास्टर है, जो मिल का ओनर है, उसके पास क्या एक बड़ा घर है और वो किसको, बैगर को इनवाइट कर रहा है अपने घर आने के लिए. वहां पे क्या received by the owner like an old regimental comrade, जिसको क्या उस बैगर को आयरन मास्टर ने क्या समझा, अपना एक कॉमरेड समझा, ठीक है. नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड. नहीं मैं ऐसा नहीं समझता. और अलार्मिंग जो पोजीशन थी, एक तरीके से मतलब ये क्या हो रहा है, ये किस तरीके के क्वेश्चन, ये मुझे कौन समझ रहा है. तो इस अलार्मिंग सिचुएशन में आई कुडंट थिंक ऑफ इट, मैं इसके बारे में नहीं सोचता, मैं ऐसा नहीं सोचता. ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर. अब यहाँ पे बैगर किसके बारे में, उन 30 क्रोनर के बारे में सोच रहा है जो उसने क्या चोरी किए थे in the beginning of the story. To go to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. अब उसको यहाँ पे क्या लग रहा था बैगर को, पेडलर को, कि मैनर में जो उसको इनविटेशन मिल रहा था, उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करके खुद को उस मैनर में लेके जाना, अपने आप को खुद मौत में धकेलना, मतलब लॉयन की जो डेन थी, शेर की जो गुफा थी, उसमें क्या है डालने के बराबर था. He only wanted a chance to sleep here in the forest. उसे और कुछ नहीं चाहिए था, वो ज्यादा की मांग नहीं कर रहा था, उसे बस रात गुजारनी थी वहां उस फोर्ज में. एंड देन सेंट अवे एज इनकॉन्स्पिशियसली एज पॉसिबल. और वो जिस तरीके से रात गुजरती वो वहां से चला जाता, मतलब वहां से उसे और कोई लालच नहीं था, वो क्या अपना वहां से रात गुजारता, सोता और चला जाता. प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर. अब यहाँ पे मास्टर, उसको फील होता है कि उसके कपड़े इतने गंदे हैं, उसके हालात इतनी बुरी है, तो शायद वो यहाँ पे शाय फील कर रहे हेजिटेट फील कर रहे हैं कि वो उस जगह पर नहीं जाएगा. तो वो उसका हेजिटेशन दूर करने के लिए आयरन मास्टर कहता है प्लीज डोंट थिंक, ऐसा मत सोचो कि मेरे पास बहुत बड़ा घर है जहां पर तुम ना जा सको. ही सेड एलिजाबेथ इज डेड. अब यहाँ पे क्या, वो एक करेक्टर के बारे में बताता है, एलिजाबेथ इज डेड, इज डेड. यहाँ पे एलिजाबेथ कौन, उसकी वाइफ है जो क्या मर चुकी है. As you may already have heard, तुमने पहले ही सुना होगा, my boys are abroad, मेरे बच्चे, मेरे लड़के कहाँ अब्रोड में हैं, and there is no one at home except my oldest daughter and myself. और घर पे तुम्हें कोई ऐसा नहीं मिलेगा जिससे क्या तुम hesitation feel करो, तो वहाँ पे मेरी बेटी, मेरी बड़ी बेटी और मैं ही. We were just saying that it was too bad we didn't have any company for Christmas. अब उसको और convince करने की कोशिश करता है, मनाने की कोशिश करता है और कहता है, We were just saying, मैं यहाँ पे बस कह रहा हूँ कि हमारे साथ ये बहुत बुरा है कि हमें कोई कंपनी नहीं मिली है कि क्रिसमस मनाने के लिए हमारे साथ क्या है, कोई नहीं है. Now come along with me, चलो मेरे साथ चलो, and help us make the Christmas food disappear a little faster. मेरे साथ चलो और जो हमने क्रिसमस पे इतना सारा खाना बना रखा है उसको खत्म करने में हमारी मदद करो. But the stranger said no. अब स्ट्रेंजर क्या है, अपने क्रोनोर के जो उसने पैसे चुरा रखे थे उसी डर में क्या है वो यहाँ पे घबराया हुआ और कहता है नहीं मुझे नहीं जाना. एंड नो एंड अगेन नो, और बार बार क्या मना करता है. एंड द आयरन मास्टर सो दैट ही मस्ट गिव इन. अब यहाँ पे जिस तरीके से मास्टर ने देखा कि नहीं ये एग्री नहीं कर रहा है या आना नहीं चाह रहा, तो उसने क्या उस बात को वहीं पे छोड़ दिया.
बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे. लेकिन वो जिस तरीके से जा रहा था, ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, और वो हंस रहा था. एंड द ब्लैक स्मिथ हू न्यू हिम अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड. अ ब्लैक स्मिथ, क्योंकि वो आयरन, जो आयरन मास्टर था वो ब्लैक स्मिथ का मालिक था, तो वो अच्छी तरीके से जानता था, वो समझ गया था कि उसने, मास्टर ने, ओनर ने अपना लास्ट शब्द नहीं कहा, मतलब अभी बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई है. ये जो यहाँ पर जो पेडलर और जो आयरन मास्टर के बीच की जो यहाँ पे कन्वर्सेशन थी, इंटरेक्शन थी, वो अभी खत्म नहीं हुई है, मतलब वो आएगा. इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरिएज व्हील्स आउटसाइड द फोर्स. अब क्या है यहाँ पे, इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, कि हाफ एन आवर का भी टाइम यहाँ पे नहीं बीता था. उन्होंने आवाज सुनी एक कैरियज व्हील्स की, ठीक है, गाड़ी के पहियों की, आउटसाइड द फोर्स. एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, और अब एक नया जो गेस्ट है, मतलब एक नया जो करेक्टर है वो स्टोरी में अपीयर होता है. बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन इस बार आयरन मास्टर नहीं था, कोई नया करेक्टर आया था. ही हैड सेंट हिज डॉटर, अब आयरन मास्टर ने क्या, अपनी बेटी को भेजा था, किसको, पेडलर को, बैगर को, अपने घर लाने के लिए. Apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself. अब किस इंटेंशन से भी वहां पे भेजा था, क्यों, क्योंकि आयरन मास्टर सोचता था कि उसकी बेटी के पास ज्यादा वो स्किल है जिससे क्या है, वो जो वहां पे वैगाबोंड था, ठीक है, जो पेडलर था, उसको कन्विंस करने की, कि वो खुद कन्विंस कर लेगी और उसको क्या घर पे ले आएगी. इसी इंटेंशन के साथ क्या उसने अपनी बेटी को भेजा था. She entered followed by a valet. अब क्या है, वो आयरन मास्टर की बेटी एंटर करती है, किसमें, स्टोरी में, वहां जो आयरन मिल थी उस आयरन मिल में, किसके साथ, एक वैलेट, एक नौकर के साथ. कैरिंग ऑन हिज आर्म आर्म अ बिग फर कोट, और ये जो वैलेट, ये जो नौकर था, इसने क्या है, एक फर कोट अपने हाथ में लिए हुए था. शी वॉज नॉट एट ऑल प्रीटी, अब किसकी बात हो रही है, आयरन मैन की डॉटर की बात हो रही है. वो इतनी सुंदर नहीं थी, बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाय, लेकिन अच्छी थी और थोड़ी शर्मीली क्या दिखाई दे रही थी. इन द फोर्स एवरीथिंग वाज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, अब फोर्स में सारी चीजें वैसी ही थी जैसी कि अर्ली इवनिंग में थी. द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटाइज स्टिल सैट ऑन देयर बेंच, अब मास्टर स्मिथ, ठीक है, और उसके साथ काम करने वाला हिज अप्रेंटाइज स्टिल सेट ऑन देयर बेंच, वो अपने बेंच पे बैठे हुए थे. एंड आयरन एंड चारकोल स्टिक ग्लोड इन द फर्नेस, और जो आयरन है और जो चारकोल है अभी भी फर्नेस निगल रहा था, मतलब उसमें डाला जा रहा था. द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर, अब स्ट्रेंजर ने क्या अपने आप को फैला दिया था, किस पे, फ्लोर पे, मतलब वो आराम से लेट गया था. एंड लिए विद अ पीस ऑफ पिग आयरन, और वो क्या लेट गया था, किसके साथ, एक पीस पिग आयरन के साथ. अंडर हिज हेड, मतलब उसने जो पिग आयरन का एक पीस था उसे सिरहाने की तरह अपने सिर के नीचे लगा लिया था. एंड हिज हेड पुल्ड डाउन ओवर हिज आईज, और उसकी हेड जो है अपने आप ही किसके, उसकी आंखों पर क्या गिर चुकी थी. एज सून एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, अब किसकी, आयरन मैन की जो लड़की है उसकी बात हो रही है. एज सून एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, उसने देखा कि पेडलर कौन है, या वो कॉम्रेड जो उसके फादर के साथ काम करता था रेसिपेंट में, उस पर साइट पड़ी, उसने उसको नोटिस किया. शी वेंट अप, वो उसके पास जाती है. एंड लिफ्टेड हिज हैट, और उसके हैट को उठाती है. द मैन वाज एविडेंटली यूज्ड टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, अब यहाँ पे क्या कि जो पेडलर था, जो बैगर था, एविडेंटली यूज्ड टू स्लीप विद वन आई ओपन, अपनी एक आंख खोलकर सो रहा था. ही जंप्ड अप अब्रप्टली एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, अब एकदम से उसकी टोपी उठी तो वो क्या एब्रप्टली जंप करता है, कूदता है और डरा हुआ क्या है यहां पर लगता है. माय नेम इज एडला विल्मनसन, यहां पे क्या है वो अब खुद को इंट्रोड्यूस करती है पेडलर से, कॉमरेड से, और अपना नाम बताती है कि मेरा नाम क्या है, एडला है. सेड द यंगर, माय फादर केम होम, मेरे पिता घर गए. एंड सेड दैट यू वॉन्टेड टू स्लीप हियर इन द फोर्स टू नाइट, और उन्होंने मुझे बताया कि आप यहीं पर सोना चाहते हो. यू And then I asked permission to come and bring you home to us. और फिर उसके बाद क्या, मैंने उनसे परमिशन ली और मैं यहाँ पर आपको लेने के लिए आ गई कि मैं आपको घर पर हमारे साथ लेकर जा सकूं. I am so sorry, Captain, that you are having such a hard time. अब क्या उसकी बैड जो सिचुएशन थी,
उसके जो बुरे हालात थे, पेडलर के जो बुरे हालात थे उनसे जोड़ते हुए यहाँ पे क्या एडला सॉरी कहते हैं कि दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, कि आप क्या इतने बुरे समय से गुजर रहे हो। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली, वो उसकी तरफ पूरी संवेदना के साथ, पूरी भावनाओं के साथ देखती है, विद हर हैवी आईज, जैसे कि उसके दुख को क्या वो फील कर रही हो, उसके बुरे टाइम को क्या वो कि वो किस तरीके से सफर कर रहा है, उसके सफरिंग्स को समझ रही हो। And then he noticed that the man was afraid. और फिर उसने नोटिस किया कि जो पेडलर है, जो बैगर है, वो क्या है एकदम से घबरा गया है, डरा हुआ है। Either he had stolen something, इस तरीके से डरा हुआ है कि उसने क्या कुछ चुरा लिया हो, और else he has escaped from jail, या इस तरीके से कि वो किसी जेल से भागा हुआ है। She thought and added quickly. उसने सोचा और जल्दी से क्या उस सिचुएशन को टेक ओवर करने की कोशिश की। You may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as freely as you can. You may sure, यहाँ पे क्या है उसको अश्योरेंस देती है, वो जो डरा हुआ था उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए कहती है कि आप जिस तरीके से जितने फ्रीली आप जितने आजादी से हमारे साथ जा रहे हैं उतनी आजादी से क्या आप हमारे वहां से जा भी सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं, आप किसी बंधन में नहीं है। Only please stay with us over Christmas Eve. बस हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बस क्रिसमस ईव पर क्या हमारे साथ रुकिए या क्रिसमस जो है हमारे साथ मनाइए। She said this in such a friendly manner. That the red trap peddler must have felt confidence in her. अब एडला ने इतने फ्रेंडली मैनर में इतने सही तरीके से पेडलर से रिक्वेस्ट की कि वो कन्विंस हो गया किससे, उसकी बातों से, एडला की बातों से। इट वुड नेवर हैव ऑकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर विद मी योरसेल्फ मिस, ही सेड आई विल कम एट वंस, कि जिस तरीके से एडला ने उनको प्लीज किया, जिस तरीके से उनको इनवाइट किया, कन्विंस किया, ऐसा कभी नहीं हुआ था, और इसीलिए क्या वो मान जाता है और कहता है आई विल कम एट वंस, मैं एक बार जरूर आना चाहूंगा। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, उसने क्या है जो एडला जो उसका वैलेट फर कोट लेके आए थे उसको एक्सेप्ट कर लिया। विच द वैलेट हैंडेड हिम विद अ डीप बो, और जो क्या है नौकर ने झुक करके है किसको, वैगाबोंड को, पेडलर को वो कोट क्या है ऑफर किया। थ्रू इट ओवर हिज रैग्स, और बैगर ने उस कोट को अपने जो फटे पुराने कपड़े थे उन्हीं के ऊपर पहन लिया। एंड फॉलोड द यंग लेडी, और यंग लेडी जो एडला थी उसके पीछे पीछे चल दिया। आउट टू द कैरियज, कहा कैरियज तक, गाड़ी तक, विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैकस्मिथ सो मच एज अ ग्लांस, यहाँ पे क्या है कि ज्यादा कुछ नोटिस नहीं किया, जैसे ऑफर दिया, इनविटेशन मिला, एग्री हुआ, और उसी को क्या उस जो लेडी थी उसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ गया। बट व्हाइल ही वाज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड इवल फोरबोडिंग्स, यहाँ पे आपका कौन सा, व्हाइल ही वाज राइडिंग अप टू द मैनर, जैसे जैसे वो बढ़ रहा था ठीक है तो उसके दिमाग में बुरे जो ख्याल आते हैं ठीक है वो क्या है आ रहे थे। Why the devil did I take that fellow's money? अब यहाँ पे क्या है वो कह रहे हैं Why the devil did I take that fellow's money? किसकी, उस क्रॉफ्टर की बात सोच रहे हैं कि मैंने उसके 30 crore जो है क्यों लिए। He thought now I am sitting in the trap and will never get out of it. और फिर दोबारा से उसी थॉट में जाता है जो कि उसने स्टोरी के बिगनिंग में रोड पे घूमते हुए क्या जो ख्याल उसके मन में आया था कि मैं वो पैसे नहीं चुराता तो क्यों ये जो ट्रैप है इसमें मैं क्यों फंसता और इस ट्रैप से अब मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। द नेक्स्ट डे वाज क्रिसमस ईव, अगला दिन क्या था, क्रिसमस ईव थी। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, अब किसकी, उस सिचुएशन की, उस इंसिडेंट की यहाँ पे बात हो रही है जब आयरन मास्टर डाइनिंग रूम में आता है फॉर ब्रेकफास्ट। He probably thought with satisfaction of his old regimental comrade. अब यहाँ पे क्या है वो सोच रहा था पूरे satisfaction के साथ, कौन, iron master की बात हो रही है, किसके बारे में, उनके उस regimental comrade के बारे में, मतलब उनके उस friend के बारे में, उनके उस colleague के बारे में, who he had run across so unexpectedly. ठीक है जो क्या है he had run, जो क्या है unexpectedly क्या वहां से run कर रहा है। First of all, we must see to it that he gets a little flesh on his bones. अब उसको notice करते हुए क्या अपनी बेटी को बताते हैं कि सबसे पहले क्या हमें ऐसा कुछ करना है कि इसकी हड्डियों पे कुछ मांस आए। He said to his daughter, who was busy at the table. और ये बात वो किसको कहता है, अपनी बेटी को कहता है जो क्या टेबल पर कुछ काम कर रही है और उस काम में बिजी है।
एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स. और दूसरी चीज क्या बताता है कि हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो एक काम करता है चूहेदानी बेचने का, इसके अलावा ये कुछ काम कर सके जो इधर उधर कंट्री में घूमता रहता है. इट इज क्लियर दैट थिंग्स हैव गोन डाउन हिल विद हिम एज बैडली एज दैट सेड द डॉटर. अब यहाँ पे क्या वो बताती है कि जितनी बुरी चीजें उसके साथ हुई है, जितनी बुरी चीजें उसके साथ हुई है या अभी भी क्या वो जा रही है, गुजर रही है उसके साथ, वो कितना बुरा था. Last night I did not think there was nothing about him to show that he had once been an educated man. रात को जब उसके हालात देखे, जब वो उसको जो आयरन मिल थी वहां से लेके आती है, तो उस हालात के बारे में यहाँ पे बता रही है कि उनको देख के कोई ये नहीं कह सकता कि वो क्या एक educated, एक पढ़े लिखे इंसान है या कोई वो कॉमरेड है, ऐसा नहीं लगता. You must have patience, my little girl. तुम सब्र रखो, अपनी बेटी को कहता है, said the father. As soon as he gets clean and dressed up, जैसे ही वो साफ होगा और dressed up होगा, नए कपड़े पहनेगा, you will see something different. तुम उसमें कुछ अलग पाओगे. जैसा कि तुम्हें रात में लगा कि वो एक educated जो man है वो नहीं है, तो वो changes क्या है, तुम अब वो जब नहा धो लेगा पेडलर, तब क्या उसमें नोटिस कर पाओगी easily. Last night he was naturally embarrassed. Last night की बात बताता है कि वो embarrass हो चुका था कि किस तरीके से उन चीजों को हमने identify किया. The tramp manners will fall away from him with the tramp clothes. अब यहाँ पे क्या है कि जो पेडलर के बारे में कह रहे कि उसके जो बुरे मैनर्स थे, जो अजीब सी चीजें थी, उसके उन अजीब कपड़ों के साथ क्या गिर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे. Just as he said this, the door opened and the stranger entered. जैसे ये बातें हो रही थी, दरवाजा खुलता है और पेडलर क्या है एंटर करता है. Yes, now he was truly clean. देखो अब वो क्या बिल्कुल साफ हो चुका है एंड वेल ड्रेस्ड और ढंग के कपड़े पहने होंगे. द वैलेट हैड बाथ्ड हिम. नौकर ने उसको नहला दिया है. कट हिज हेयर, उसके बाल कटवा दिए. एंड शेव्ड हिम, और उसकी जो है शेव कर दी गई, दाढ़ी बनवा दी है. मोरओवर ही वाज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर. अब इसी चीज में और एड करते हुए क्या बताता है कि जो उसने अच्छे कपड़े पहने हुए, गुड लुकिंग जो उसने सूट पहना हुआ है, वो बिलोंग करता है किसका है, आयरन मास्टर ने उसे अपने कपड़े दिए हैं. ही वोर अ व्हाइट शर्ट. पेडलर ने व्हाइट शर्ट पहन रखी है एंड अ स्टार्च्ड कॉलर. और ये व्हाइट शर्ट क्या है, स्टार्च के, इसके कॉलर जो है स्टार्च है, बिल्कुल अच्छे से है. एंड होल शूज, और क्या पूरे जूते पहने हुए. बट ऑल्दो हिज गेस्ट वाज नाउ सो वेल ग्रूम्ड. बेशक अब जो गेस्ट था, जो पेडलर था, वो पूरी तरीके से ग्रूम था, पूरी तरीके से मतलब ढंग के कपड़े पहने हुए था. द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड. लेकिन आयरन मास्टर के अभी भी खुश नहीं लग रहा था. ही लुक्ड एट हिम. आयरन मास्टर उसकी तरफ देखता है, पेडलर को देखता है विद पकर्ड ब्रो. यहाँ पे क्या अपने जो मतलब एक डाउट के साथ क्या है उसको नोटिस करता है. एंड इट वॉज इजी टू अंडरस्टैंड. और अब क्या वो आसानी से समझ सकते थे दैट व्हेन ही हैड सीन दिस स्ट्रेंज फेलो, कि जब कहा आयरन मिल में उन्होंने स्ट्रेंज फेलो को देखा था इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन, जहां पे क्या रिफ्लेक्शन जो था क्लियर नहीं था फ्रॉम द फर्नेंस, ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक. मतलब रात को फर्नेंस की जो रोशनी में उन्होंने जिसे देखा था उसको पहचानने में उन्होंने क्या गलती की है. बट दैट नाउ मैन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डेलाइट. लेकिन अब एक दिन की पूरी रोशनी में जो उनके सामने खड़ा हुआ है, नहाने के बाद बिल्कुल साफ कपड़े पहनने के बाद, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस. अब क्या है ये उनके लिए मतलब इम्पॉसिबल नहीं था कि वो दोबारा से ये गलती करे कि ये उनका फ्रेंड कॉमरेड नहीं है. व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है, ही थंडर्ड. अब क्या आयरन मास्टर क्या चिल्लाता है. द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट. अब क्या है यहाँ पे स्ट्रेंजर, उसको तो पता था ही कि ये क्या है मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, ये मुझे सही से पहचान नहीं रहे हैं, तो क्या वो कुछ भी नहीं बोलता है. ही सो एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम एन एंड. अब उसको क्या है वो दोबारा से कि जो खुशियां, जो इतनी अच्छी अच्छी चीजें उसकी लाइफ में हो रही थी, वो क्या एकदम से फिर एंड पर आ गई. इट इज नॉट माई फॉल्ट सर. अब क्या है वो बताता है, इट इज नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड. आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर. मैंने कभी एक गरीब जो व्यापारी उसके अलावा और कुछ प्रिटेंड नहीं किया था, मैंने कुछ नहीं बोला था आपको. एंड आई प्लीडेड एंड बेग टू बी अलाउड टू स्टे इन दी फोर्स. और मैंने तो क्या है वहां पर रिक्वेस्ट की थी क्या कि मुझे परमिशन मिल जाए फोर्स में एक रात गुजारने की.
बट नो हार्म हैज बीन डन, लेकिन अभी भी कुछ नुकसान नहीं हुआ है, कुछ गलत नहीं हुआ है. एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे. हद से बुरा क्या होगा, मैं ये जो कपड़े मुझे मिले हैं मैं इनको उतार दूंगा, अपने रैग्स क्या है, अपने पुराने फटे कपड़े पहन लूंगा और यहां से चला जाऊंगा. वेल सेड द आयरन मास्टर. तो उसकी बातें सुनने के बाद आयरन मास्टर कहता है वेल ठीक है, हेजिटेटिंग अ लिटिल, थोड़े घबराते हुए. इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट इधर, लेकिन तुमने वहां पे जो हालात थे जो चीजें थे तुमने बोला भी नहीं, तुमने बताया भी नहीं ऑनेस्टी के साथ. यू मस्ट एडमिट दैट एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर. अब यहाँ पे यू मस्ट एडमिट दैट, तुम्हें एडमिट करना चाहिए, तुम्हें भी एग्री करना चाहिए क्या कि जो चीजें थी तुमने वहां पे माना भी नहीं ठीक है, और अब आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड. और मैं यहाँ पे सरप्राइज नहीं हूँ कि मैं शेरिफ को यहाँ पे बुलाऊ ठीक है, कि तुम यहाँ पे गया हो, एक अननोन हो और मेरे घर में झूठ बोलकर या गलत तरीके से आए हो, तो इसके लिए मैं शेरिफ को बुलाऊ. तो यहाँ पे क्या जो भी जवाब है वो इस मैटर में तुम्हें उन्हें ही देना होगा. द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट. अब यहाँ पे क्या है कि जो पेडलर है वो क्या है आगे एक कदम बढ़ाता है और जो टेबल है उस पे क्या है स्टक विद हिज फिस्ट, जो टेबल है उस पे क्या टकराता है, अपना हाथ मारता है. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, क्या गुस्से में मतलब अगले को जिस तरीके से आयरन मास्टर बोल रहे थे उसका रिप्लाई दे रहा है. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, अब मैं आपको बताता हूँ मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर ही सेड, कि जो चीजें हैं वो किस तरीके से मैं तुम्हें बताता हूँ. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर ही सेड, दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रेटर. दोबारा से जो थॉट उसने क्या स्टार्टिंग में ही आई थी उसके माइंड में बताते हैं कि पूरा संसार क्या है, कुछ नहीं है, बस एक बड़ी क्या है चूहे दानी है. ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग, जितनी भी अच्छी चीजें जो आपको ऑफर की गई हैं आपकी लाइफ में आई हैं, बट चीज रेंट्स एंड बिट्स ऑफ पॉक, वो क्या है एक चीज की तरह पॉक की तरह जो कि क्या चूहे दानी में लगाई जाती है, सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो इनटू ट्रबल, सेट की जाती है प्लेस की जाती है क्या ताकि एक पुअर फेलो एक गरीब इंसान को क्या मुसीबत में डाला जाए या डाल यहाँ पे मुसीबत में डाला जाए. एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ, अगर यहाँ पे आप इस सिचुएशन में जिसमें मेरी कोई गलती नहीं है आप शेरिफ को बुलाते हो एंड लुक्स मी अप फॉर दिस, और इसके लिए इस जो मैंने आपके साथ किया है इसके लिए मुझे अगर बंद करवाते हो, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट अ डे मे कम व्हेन यू योरसेल्फ मे वॉन्ट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पॉक. तो जैसा मेरे साथ हुआ एक दिन आएगा, याद रखना कि आपको भी एक बड़ा जो पॉक का पीस है जो बेट है जो लालच है तुम्हें भी ऐसा कुछ मिलेगा एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, और उस समय तुम भी क्या है जो जाल है उस जाल में फंस कर रह जाओगे. द आयरन मास्टर बिगिन टू लाफ, अब उसके इस बात पे आयरन मास्टर क्या हंसने लग जाते हैं. दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो, दैट वॉज नॉट सो बैडली, ये इतना बुरा नहीं है. किसको अपने जो जो पेडलर उसको कहता है माय गुड फेलो परहैप्स वी शुड लेट दिस शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव. चलो ठीक है अब हम शेरिफ को क्रिसमस ईव पे अकेला ही छोड़ देते हैं, वो अपना क्रिसमस ईव अपने अकेला मनाए. बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन, लेकिन तुम यहां से जितनी जल्दी हो सकता है यहां से निकल जाओ. बट जस्ट एज द मैन वाज ओपनिंग द डोर, लेकिन जैसे ही पेडलर बैगर दरवाजा खोलता है द डॉक्टर सेड I think he ought to stay with us today. अब वो कहती है कि हमें मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पेडलर है ये जो बैगर है आज हमारे साथ रुकना चाहिए. I don't want him to go. मैं नहीं चाहती कि ये जाए. And with that she went and closed the door. और इसी intention के साथ वो जाती है और दरवाजा बंद कर देती है. What in the world are you doing? Father बोलते हैं अपनी daughter को कह रहे हैं कि क्या करना चाह रही हो तुम, इन हालातों में क्या है तुम्हारे माइंड में. Said the father. The daughter stood there quite embarrassed. अब इस क्वेश्चन से जो डॉटर थी वो बिल्कुल एम्बेरस होके खड़ी हो जाती है एंड हार्डली न्यू वट टू आंसर, और उसके पास जवाब नहीं था उसके फादर के क्वेश्चन का. दैट मॉर्निंग सी हैड फेल्ट सो हैप्पी, पूरा जो इंसिडेंट है उसको सोच रही है कि सुबह वो कितने खुश थे. When she thought how homelike and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch. कि किस तरीके से घर के जैसी क्रिसमस के त्योहार के जैसी कुछ चीजें वो उस गरीब भूखे के लिए बनाएगी. She could not get away from the idea all at once. और वो उस आइडिया से बाहर नहीं निकल सकती थी. And that was why she had
इंटरप्रेटेड फॉर द बेनिफिट, यहाँ पर क्या है वो, और यहाँ पर क्या है वो इंटरप्रेटेड हो जाती है किसी वैगाबोंड के साथ। आई एम थिंकिंग ऑफ हिज स्ट्रेंजर हेयर, मैं किसके बारे में सोच रही हूँ, उस स्ट्रेंजर के बारे में सोच रही हूँ। सेड द यंग गर्ल, किसने, यंग गर्ल ने कहा, ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग। क्या उसकी सिचुएशन को बताती है कि ये जो पेडलर है, ये जो बैगर है, ये चलता रहता है पूरा साल। एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज वेलकम एंड कैन फ्ली एट होम। और प्रोबेबली कोई ऐसी सिंगल जगह नहीं है जहां उस बैगर को, उस पेडलर को इनवाइट किया जाता, वेलकम किया जाता, और कैसी जगह, जिसको वो अपने घर की तरह समझ सके। Wherever he turns, he is chased away. जहां भी वो जाता वहां उसको चेस कर दिया जाता, भगा दिया जाता। Always he is afraid of being arrested. हमेशा उसके मन में डर लगा रहता है किसका, पकड़े जाने का। क्रॉस examined कि उसके हालात को देख के उससे कोई सवाल जवाब ना करे। I should like to have him enjoy a day of peace with us here. I should like, मुझे ऐसा लगता है, मैं उसको वो एक दिन देना चाहती हूँ जिससे क्या वो enjoy कर सके पीस के साथ, कहाँ, उनके यहाँ पर। जस्ट वन इन द होल ईयर, किसमें, एक दिन, एक साल में, ये बेशक एक ही दिन वो दे सकती है लेकिन वो एक दिन देना चाहती है। द आयरन मास्टर मंबल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, अब वो कुछ धीरे धीरे बोलते हैं। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, लेकिन उसको अपोज नहीं कर पाते, उसकी बात को काटते नहीं है। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफकोर्स, ये बेशक एक मिस्टेक थी। शी कंटिन्यूड, उसने आगे बात बढ़ाई, बट एनीवे आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेस अवे अ ह्यूमन बींग Whom we have asked to come here. लेकिन मुझे लगता है कि जिसको हमने खुद अपने घर पे बुलाया है, हम उसको जाने के लिए नहीं कह सकते। And to whom we have promised Christmas cheer, और जिसको हमने प्रोमिस किया, वादा किया है कि हम क्रिसमस क्या उसी के साथ मनाएंगे, तो मैं उसको यहां से जाने के लिए नहीं कह सकती। You do preach worse than a person, said the iron master. I only hope you won't have to regret this. तुम किस तरीके की, मतलब जो चीजें हैं उस, जो अभी तुम करना चाह रही हो उसके लिए तुम्हें कोई पछतावा नहीं होना चाहिए, सोच लेना। द यंगल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल। यंगल क्या करती है, हाथ से पकड़ती है वैगाबोंड को, पेडलर को, और टेबल पर ले आती है। नाउ सिट डाउन एंड ईट, बैठ जाओ और खाओ, शी सेड, फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन। और इन सारी चीजों के लिए उसने देखा कि उसके पापा ने क्या वहां पे उस सिचुएशन को क्या छोड़ दिया है। With the red trap said not a word. वो stranger जो था, जो उसको पता चल चुका था कि यहाँ पे क्या situation क्या है, वो पहचान चुके थे उसको, तो यहाँ पर क्या है वो एक single word भी नहीं बोल रहा था। He only sat down, बैठ गया, helped himself to the food, और अब खुद की मदद कर रहा था खाना खाने में। Time after time he looked at the young girl. समय समय पर क्या कर रहा था वो, जो young girl है Adela जो है उसको देख रहा था। Who had interceded for him, जो उसके लिए इतना सब कुछ, इतनी अच्छी चीजें कर रही थी। Why had she done it? क्यों कर रही थी वो, उसके माइंड में चल रहा था। What could the crazy idea be? ये कैसा, मतलब मुझे जानती नहीं है, कितना crazy idea कि वो मेरे साथ यहाँ पे मुझे Christmas Eve पे क्या अपने घर पर रखना चाहती है। After that Christmas Eve at Ramsdow passed just as it always had. जिस तरीके से Christmas जाती थी उसी तरीके से क्या ये Christmas भी गुजर रही थी, मतलब stranger के आने से वहाँ पे कुछ अलग नहीं हुआ था। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल, स्ट्रेंजर ने कोई वहां पे मुसीबत, समस्या खड़ी नहीं की थी। बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप, क्यों, क्योंकि कुछ कर ही नहीं रहा था, वो सिर्फ सो रहा था। द होल फोरनून ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, पूरी जो दोपहर थी उसमें वो एक सोफे पे एक ही साइड लेटा हुआ सोता रहा। एट रूम दे वोक हिम अप सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर। नून में, दोपहर में उसको उठाया गया किस चीज के लिए, ताकि वो अपना शेयर ले सके क्रिसमस फेयर का, क्रिसमस के त्योहार का वो अपना हिस्सा जो ले सके। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, लेकिन उसके बाद क्या वो फिर से सो गया। इट सीम्ड एज दो फॉर मेनी इयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज हियर एट रैम्सडो, ऐसा लग रहा था कि इतनी सेफली, इतनी शांति से जैसे कि घर पे कोई सोता है, वो आज से पहले नहीं सोया था। In the evening, शाम को, when the Christmas tree was lighted, जब क्या क्रिसमस ट्री पर रोशनी की गई, they woke him up again, and he stood for a while in the drawing room.
उसको दोबारा से उठाया जाता है और कहां ड्राइंग रूम की तरफ क्या वो पड़ता है। ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, इस तरीके से ब्लिंक कर रहे हैं, आंखें चपका रहे हैं, जैसे क्या क्या कैंडल लाइट उसको क्या हर्ट कर रही है। बट आफ्टर दैट ही डिसअपीयर्ड अगेन, और वहां उस सिचुएशन के बाद क्या दोबारा से क्या खो जाता है, गायब हो जाता है। टू आवर्स लेटर ही वाज अरोस्ट वंस मोर, जो सीन है जो स्टोरी है दो घंटे के बाद क्या उसमें फिर से आता है। ही देन हैड टू गो डाउन इनटू द डाइनिंग रूम, अब क्या कर रहे हैं वो डाइनिंग रूम में नीचे जा रहे हैं एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पोरिज। अब यहाँ पे क्या वो दोबारा से जाता है अपना खाना खाता है। एज सून एज दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट एंड सेड थैंक यू एंड गुड नाइट। एज सून एज दे गॉट अप, टेबल से जिस तरीके से उठते हैं और जाते हुए जितने प्रेजेंट थे सबको थैंक यू और गुड नाइट बोलते हैं। बट वेन ही केम टू द यंग गर्ल शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन दैट द सूट विच ही वोर वॉन्ट्स टू बी ए क्रिसमस प्रेजेंट। अब यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे वो क्या जो एडला है उसके पास जाता है तो वो उसको इस तरीके से समझाती है, इस तरीके से दर्शाती है कि इसके फादर की इंटेंशन थी कि जो सूट उसने पहना हुआ है वो एक क्रिसमस प्रेजेंट है उसके फादर की तरफ से। He did not have to return it, और उसे वो वापस करने की जरूरत नहीं है। And if he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would be befall him, he would be welcomed back again. और इस तरीके से उसको बताती है, उसको दर्शाती है, कहती है क्या कि जिस तरीके से वो शांति से पीस में रहना चाहता है, ठीक है, आराम करना चाहता है, शांति से सोना चाहता है, और कोई भी बुराई किसी भी मतलब उसको चीज का धोखा ना मिले, उसके साथ कुछ गलत ना हो, तो वो दोबारा से अगले साल के है क्रिसमस के लिए उस किसको पेडलर को अपने यहां पर वेलकम करती है, उसको इनवाइट करती है। द मैन विद द रेड ट्रैप डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, अब एडला ने अपनी बात कह दी लेकिन जो पेडलर है जो पैगर है किसी भी चीज का आंसर नहीं करता है। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट, लेकिन वो क्या है एडला को देखता रहता है एंडलेस अमेजमेंट में, मतलब एक उसके पास उस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं था कि एडला इतना सब कुछ उसके लिए क्यों कर रही थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन गुड सीजन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस। अब नेक्स्ट मॉर्निंग आयरन मास्टर और उसकी बेटी के एक अच्छे मूड में उठते हैं और कहां क्रिसमस सर्विस के लिए जाते हैं। देयर गेस्ट वाज स्टिल असली और किसमें वो चर्च में अपनी जो पूजा है अपने कस्टम्स है उनके लिए जाते हैं और गेस्ट क्या है जो बेगर है वो अभी भी सो रहा है। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम और वो उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। व्हेन एट अबाउट 10 o'clock टाइम कौन सा बताया 10 o'clock के आसपास दे ड्रॉ बैक वो वापस आते हैं फ्रॉम द चर्च कहां से चर्च से। द यंग गर्ल सेट एंड हंग हर हैड इवन मोर डिजेक्टली देन यूजुअल। यंग गर्ल क्या करती है आती है अपने सिर को अजीब तरीके से हिलाती है जैसे कि देन यूजुअल जिस तरीके से मतलब कोई अलग सी जो इंसिडेंट होता है तब। एट चर्च शी हैड लर्न्ड दैट वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर्स ऑफ द आयरन वर्क्स हैड बीन ड्रॉप्ड बाय अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ड्रेस। अब यहाँ पे किस चीज से वो किस चीज से इतना मतलब यहाँ पे एडला की जो सिचुएशन दिखाई गई वो किस चीज से रिलेट करके दिखाई गई कि उसको पता चला कि ओल्ड क्रॉफ्टर को ऑफ द आयरन वर्क्स रोक कर लिया गया है लूट लिया गया है क्या एक इंसान ने जो क्या है रेड ट्रैप चूहे दानियां बेच रहा था उसके द्वारा। यस दैट वाज अ फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस। अब यहाँ पे क्या कि एक फाइन फेलो है जिसको क्या तुमने घर में रखा है। सेड हर फादर आई ओनली वंडर हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कबोर्ड बाय दिस टाइम। अब मैं वंडर कर रहा हूं क्या कि हमारे पास कितने सिल्वर स्पून कबोर्ड में बची हुई है। The wagon had hardly stopped at the front steps when the iron master asked the valet whether the stranger was still there. अब यहाँ पे क्या है जो पेडलर है मतलब इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे वो पहले से ही क्या है चोरी कर चुका था तो इस तरीके के क्वेश्चन जो आयरन मास्टर कर रहा था वो मुश्किल से वहां पे अपने पैर जो है रोक पा रहा था। He added that he had heard at the church that the man was a thief. अब यहाँ पे एक और चीज ऐड करता है क्या उसने जो सुना है क्या किसमें चर्च में क्या वो इंसान क्या था एक चोर था। The valet answered that the fellow had gone. क्या कि जो फेलो है वो जा चुका है and that he had not taken anything with him at all. और वो अपने साथ कुछ भी नहीं लेके गया है। On the contrary, he had left behind a little package. मतलब यहाँ पे दोनों आयरन मास्टर क्या सोच रहा था कि वो कुछ चुरा के भाग गया है तो उस चीज से विपरीत यहाँ पर क्या है कि वो एक पैकेज जो है छोड़ के गया है विच
मिस विल्मनसन वांट्स टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज अ क्रिसमस प्रेजेंट। और यहाँ पे क्या एक चीज, मतलब एक नोट के तौर पे कि जो एल्डा है वो काफी काइंड है और इस प्रेजेंट को क्या है वो एक्सेप्ट कर लेगी। द यंग गर्ल ओपन्ड द पैकेज, पैकेज को खोलती है, विच वाज सो बैडली डन, जिसको क्या बड़ी बुरी तरीके से पैक किया गया था, दैट द कंटेंट्स केम इनटू व्यू एट वंस, शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, उसने जो कंटेंट था उसको देख के वो खुशी की जो क्राई थे, जो आंसू थे वो निकले। शी फाउंड अ स्मॉल रेट ट्रैप, उसमें क्या था, एक स्मॉल रेट ट्रैप था, एक छोटी चूहेदानी थी, एंड इन इट ले थ्री रिंकल्ड 10 क्रोनोर नोट्स, और उसके अंदर क्या थे, 3 रिंकल्ड 10 क्रोनोर थे उसके अंदर डले हुए थे। बट दैट वॉज नॉट ऑल, लेकिन इतना ही नहीं था उसमें, इन द रेड ट्रैप ले ऑल्सो अ लेटर रिटन इन लार्ज जेब्ड करेक्टर्स, लेकिन उस रेड ट्रैप पे एक लेटर भी रखा हुआ था जिसमें क्या कुछ मैसेज छोड़ा गया था। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, किसके लिए था ये लेटर, एडला के लिए। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, अब यहाँ पे क्या बताता है, सम्मान के साथ बोलता है किसके बारे में, एडला के बारे में, कि आप मेरे पूरा दिन आप मेरे लिए मेरे साथ कितनी अच्छी रही, एज इफ आई वॉज अ कैप्टन, यदि मैं कैप्टन भी होता, आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, मैं भी तुम्हारे साथ क्या अच्छा होता इन रिटर्न, एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन, लेकिन मैं सच में जैसा कि मैंने आपके साथ बिहेवियर किया, मैं एक सच्चा कैप्टन होता, फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरस एट दिस क्रिसमस सीजन, तो मैं आपको एम्बेरस नहीं होने देता इस क्रिसमस सीजन में बाय अ थीफ, एक चोर के द्वारा। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन, लेकिन क्या है ये जो मैं आपको मनी दे रहा हूँ, ये पैसा आप उस ओल्ड मैन को, उस क्रॉफ्टर को रिटर्न कर दे, हु हैज द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो, जो क्या है जो पाउच है उसमें क्या है मनी डाल के उसको हैंग करके रखता है, लटकाए रखता है, एज अ बेट फॉर पुअर वंडरर्स, एक लालच के तौर पर जो लोग वहां पर घूमते रहते हैं उनके लिए। द रेड ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रेट, अब यहाँ पे एक रेड ट्रैप क्या है, एक क्रिसमस प्रेजेंट है किसके, एक चूहे, चूहे के द्वारा, हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड्स रेड ट्रैप, जो क्या फंस चुका है इस संसार की चूहेदानी में, इस संसार के जाल में, इफ ही हैड नॉट बीन रेस्ड टू कैप्टन, अब यहाँ पे क्या, इफ हैड नॉट बीन रेस्ड टू कैप्टन बिकॉज इन दैट वे ही गुड पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, अब यहाँ पे क्या है वो कैप्टन की सिचुएशन को बताता है, और जो पावर जो उसको क्या है क्लियर करने की, ये जो उसके अंदर अच्छाई जो गुडनेस उसके अंदर डेवलप हुई है ये नहीं हो पाती, उस गुडनेस के बारे में क्या यहाँ पर बताता है।